हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी स्टेज आज हम लोग भिन्न का घटाव सीखेंगे ये जो आपके सामने भिन्न का घटाव दिया गया ये मिश्रित भिन्न में दिया गया यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हमें सबसे पहले जो है आ, बना करके सिंपल फ्रैक्शन में लाना है यानी साधारण भिन्न में लाना है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जो दो पूर्णांक तीन बटे चार है इसे हम दो पूर्णांक तीन बटे चार भी पढ़ सकते हैं या फिर दो सहित तीन बटे चार भी पढ़ सकते हैं तो इसको सबसे पहले हमें तोड़ करके साधारण भिन्न में लाना है इसको साधारण भिन्न में लाने के लिए क्या करना होगा इन दोनों को आपको गुना करना होगा जो गुना करने के

बटे में दो है तो बिल्कुल सेम वही दो हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस रहता तो प्लस होता फिर क्या करना है तीन पूर्णांक सात बटे छः है तो इन दोनों को गुना करेंगे गुना करने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वो इन दोनों को ऊपर में जोड़ देंगे तो छत्री अट्ठारह अट्ठारह और सात कितना हो जाएगा तो पच्चीस हो जाएगा पच्चीस है नीचे जो संख्या रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा तो छः है तो छः फिर माइनस है तो माइनस फिर क्या करेंगे वही स्टेप पाँच दो न दस दस तीन तेरह बटे दो नीचे दो है तो दो इतना करने के बाद ये हमारा जो आपको यहाँ ये जो देख रहे हैं ये सिंपल फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में हमारा आ गया अब क्या करना है हमें इतना होने के बाद नीचे जो संख्या दी हुई है देखिये ऊपर वाले को तो हम क्या बोलते हैं आपको पता है ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं तो हर बोलते हैं ठीक हमें हर का जो है नीचे वाली संख्या का पूरा का एलसीएम लेना है जितना आपका स्टेप रहेगा उस सब सबका हमें एलसीएम लेना है तो चार दो छ दो का हमें एलसीएम लेना है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं बगल में चार दो छ दो इसका हमें क्या करना है तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए दो से लगाएंगे और दो बार में कट जाएगा दो दो न चार ये एक बार में कटेगा ये छ जो है दो से तीन बार में कटेगा ये एक बार में कटेगा फिर दो से करेंगे दो एक दो ये एक का एक तीन नहीं कटेगा तो तीन वैसे रह जाएगा फिर एक फिर क्या करना फिर तीन से एक संख्या तीन है तो तीन, तीन, तीन से लगा देंगे सब हमारा एक एक हमारा सब आ गया तो हमारा ये जो आया है ये टर्म जो एलसीएम में जो टर्म है दो तीन और दो है इसको हम गुना कर देंगे दो दूना चार चार दुना दो दुना चार आ चार बारह हमारा बारह पूरा हुआ एलसीएम में ठीक तो ये जो हमारा एलसीएम किए है वो कितना आया है तो हमारा बारह आया है तो बारह हम नीचे लिख देंगे और ये जो एलसीएम हमारा हर में बारह आया है एलसीएम जो हमारा हर है उससे भाग दे देंगे हम जो एलसीएम आया है उस वाली संख्या में भाग दे देना है यानी हमें चार से बारह में भाग कर देना है ठीक तो बारह में हम चार से भाग करेंगे तो कितना बड़े में कटेगा तीन बार में कटेगा जितना बार में कटेगा उसके उससे ऊपर वाली संख्या में हमको गुना कर देना है ठीक तो बारह में अगर हम चार से भाग देते हैं तो कितना बार में कटा तीन बार में कटा और ऊपर क्या है ग्यारह है तो, तो उसमें हमको गुना कर देना तो ग्यारह तीय तैतीस हो जाएगा ठीक माइनस है तो फिर माइनस देंगे और फिर क्या करना इस बारह में जो एलसीएम हमारा बारह फिर ये हर से हम भाग दे देंगे एलसीएम वाले में तो बारह में फिर दो से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा छह बार में कटेगा और क्या है ऊपर नौ है तो नौ से ऊपर गुना हो जाएगा तो नौ छ 54 हो गया तो चौवन कर देंगे माइनस है तो माइनस ठीक फिर क्या करना है फिर वही करना है बारह में फिर छह से हम भाग देंगे तो कितने तो देंगे दो से तो पच्चीस गुना पचास हो गया फिर माइनस है तो माइनस देंगे फिर हमें बारह में दो से भाग करना है ठीक और फिर ऊपर में जो आएगा उसे गुना कर देना है तो बारह में दो से भाग करेंगे तो छह बार में कटेगा और ऊपर तेरह है तो तेरह में गुना हो जाएगा तो तेरह छक अठहत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक इतना करने के बाद हम अब लास्ट स्टेप में बस पहुंचने ही वाले हैं इसका आंसर बस जस्ट ही कुछ ही देर में आ जाएगा देखिए अब हमें क्या करना है ये प्लस में है ठीक ये तैतीस जो प्लस में बाकी सारा माइनस में तो इस सारे को हमें पहले ऐड कर लेना है पूरा माइनस में तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं पचास और चौवन और अठहत्तर कितना हो गया यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं इसको आठ चार बारह का दो हासिल एक पांच पांच, पांच दस सात सत्रह एक अट्ठारह यानी वन एटी टू एक सौ हो गया टोटल किए तो एक सौ बिरासी हो गया पूरा क्या है माइनस में है माइनस 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 तो तैतीस तो हमारा ये एक ना प्लस में है पूरा माइनस में है तो माइनस एक सौ जाएगा अब हमें क्या करना है फिर तैतीस में प्लस ये प्लस में है तैतीस माइनस में एक सौ बिरासी है तो तैतीस में से एक सौ बिरासी घटेगा यानी कम में से ज्यादा घट रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या तो माइनस में ही आएगा तो तैतीस में से हम एक सौ बिरासी घटाते हैं तो 33 में से एक सौ बिरासी आएगा तो कितना बचेगा माइनस में हमारा वन फोर्टी नाइन आएगा और बटा में बारह है तो बारह आ जाएगा ये अगर कटने वाला होगा तो हम इसे काट देंगे तो हमारा ये कटने वाला नहीं है यानी माइनस वन फोर्टी नाइन बटे ट्वेल्व है तो माइनस एक सौ उनचालीस बटे बारह है माइनस एक सौ उनचालीस बटे बारह ये कटने वाला नहीं है तो इतना ही पर हमारा ये आंसर हो जाएगा ठीक तो इस प्रकार आप जो है भिन्न का घटाओ मतलब जो मिश्रित भिन्न है उसको साधारण भिन्न में पहले कर करके तब उसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका था और बहुत ही सिंपल सा स्टेप था सिंपल सा क्वेश्चन भी था तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा थैंक यू